हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेन। वेलकम टू एजुकेट यंगस्टर्स। जति पनि ट्रिगोनोमेट्री को प्रीवियस भिडियो अनि एक्सपेंशन सँग रिलेटेड भिडियो तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यस चैनल को प्लेलिस्ट में गए भिजिट गर्नु होला। त्यहाँ सब भिडियो अवेलेबल छ र तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। हरि वन वाज हाम्रो प्रूफ द फलोइङ र यो क्वेशन दिएको छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड पहिला लेख्नेछौँ। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में से हमारा साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर र ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर को फॉर्म में इस सीम्पल ए प्लस बी होल स्क्वायर को फॉर्मुला एक्सपैंड करने फर्स्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस अब ए माइनस बी होल स्क्वायर को फर्मुला एक्सपैंड कर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू साइन ए कस ए टू साइन ए कस ए सेम छ यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस यो होल टर्म कैंसल साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए भनेको हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बड़ा वन हो प्लस फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए भनेको वन दुटा एड गर्दाखेरि टू आउँदैछ विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। 31 पार्ट टू हामी प्रूफ गर्ने छ जीरो र फर्स्ट मा लेख्ने छौ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मा छ कोट स्क्वायर ए माइनस वन अपन साइन स्क्वायर ए प्लस वन कर्ड भनेको हाम्रो कस बाई साइन को रेसियो हो र यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ कस स्क्वायर यहाँ स्क्वायर छ त्यसले गर्दा कस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए माइनस वन अपन साइन स्क्वायर ए प्लस वन बाई वन र साइन स्क्वायर र वनको हाम्रो एलसिएम हुन्छ साइन स्क्वायर ए र माथिपट्टि नो चेन्ज कस स्क्वायर ए माइनस यहाँनिर वनै हुन्छ प्लस वनले साइन स्क्वायर ए टाइम्स गयो यसले माथि वनलाई मल्टिप्लाई साइन स्क्वायर ए हामी यसलाई अरेन्ज गरेर राख्छौँ। अरेन्ज गरेर राख्दाखेरि साइन स्क्वायरमा फर्स्टमा लेख्दैछु साइन स्क्वायर ए यहाँ अगाडि प्लस छ प्लस कस स्क्वायर ए माइनस वान होल डिभाइड बाई साइन स्क्वायर ए फेरि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीबाट साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए भनेको हाम्रो खालि वान हो वान माइनस वान यो होल टर्म भनेको चाहिँ हाम्रो वन हो सो वन माइनस वन होल डिभाइड बाई साइन स्क्वायर ए क्यान्सल भयो जिरो डिभाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए एन्ड जिरो डिभाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए भनेको ओन्ली जिरो इक्वल टु आरएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुफ्ड। 31 पार्ट 3 प्लस में हमें पहला लिखने से लेफ्ट हैंड साइड 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपन 1 प्लस कट स्क्वायर ए अनि 1 बाय 1 प्लस टेन भनेको साइन बाई कस को रेसियो यहाँ स्क्वायर भएकोले गर्दाखेरि साइन स्क्वायर ए यहाँ पनि स्क्वायर आयो कस स्क्वायर ए प्लस 1 अपन 1 प्लस कट भनेको कस बाई साइन को रेसियो स्क्वायर भएकोले गर्दा कस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए अब एलसिएम लिन्छौँ हामी 1 अपन यहाँ 1 छ र एलसिएम हुन्छ 1 र कसको एलसिएम कस स्क्वायर ए यहाँ माथिपट्टि कस स्क्वायर ए आयो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपन यहाँ पनि एलसिएम लिन्छौँ लिँदाखेरि हुन्छ हाम्रो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए अनि वान बाई कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भनेको हाम्रो खालि वान हो वान बाई कस स्क्वायर ए प्लस वान बाई फेरि यो साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए भनेको वान नै हो होल डिभाइड बाई साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए रेसिप्रोकल भएर कस स्क्वायर माथि जाँदैछ कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर पनि माथि जाँदैछ साइन स्क्वायर ए र फेरि कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भनेको हाम्रो वान हो विच इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड
यसमा इक्वल भयो देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ्ड. क्वेशन नम्बर 32 सिम्प्लिफाई यो दिएको छ रुट ओभर भित्र हामीलाई र 1 माइनस साइन स्क्वायर थिटा भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटी साइन स्क्वायर थिटा प्लस कस स्क्वायर थिटा इक्वल टु 1 हो र 1 माइनस साइन स्क्वायर थिटा छ साइनलाई बदल्दाखेरि हाम्रो हुन्छ कस स्क्वायर थिटा इक्वल टु 1 माइनस साइन स्क्वायर थिटा र यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो रहेछ कस स्क्वायर थिटा र हामी यहाँ पुट गर्नेछौँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थिटा भनेको रहेछ कस स्क्वायर थिटा होल डिभाइड 1 माइनस कस स्क्वायर थिटा. फेरि हामीले कसलाई राइटपट्टि सिफ्ट गर्यो भनेदेखिलाई यो इक्वेजनबाट साइन स्क्वायर थिटा इक्वल टु 1 माइनस कस स्क्वायर राइटपट्टि जाँदा माइनस कस स्क्वायर थिटा र यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो साइन स्क्वायर थिटा हुने रहेछ 1 माइनस कस स्क्वायर थिटा भनेको साइन स्क्वायर थिटा र हामीले यसलाई एउटै पावरमा लेख्न सक्छौँ साइन थिटा होल स्क्वायर दुइटाको स्क्वायर छ सो होल स्क्वायरमा लेख्यो र स्क्वायर र रुट ओभर क्यान्सल कस थिटा बाई साइन थिटा मात्रै रह्यो र यो भनेको चाहिँ हाम्रो कट थिटा गरेछ कस थिटा बाई साइन थिटा र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा आउँदो रहेछ कट थिटा. नम्बर 34 इफ एक्स इज इक्वल टु ए कस थिटा प्लस बी साइन थिटा एन्ड वाई इज इक्वल टु ए साइन थिटा माइनस बी कस थिटा प्रुभ द्याट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अनि यो प्रुभ गर्नु भनेको छ हामीलाई फर्स्टमा लेख्ने छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनि यो एक्सको भ्यालु हामीलाई यो भ्यालु दिएको छ एक्सको ठाउँमा रिप्लेस गर्नेछौँ ए कस थिटा प्लस बी साइन थिटा यो त हाम्रो एक्सको मात्रै भ्यालु हो तर यहाँ स्क्वायर छ त्यसले गर्दाखेरि यो होल स्क्वायर प्लस वाईको पनि हाम्रो भ्यालु छ यहाँनिर ए साइन थिटा माइनस बी कस थिटा यहाँ वाईको मात्रै भ्यालु हो स्क्वायर भएकोले गर्दा होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुलाले एक्सपान्ड गर्छौँ यो होल टर्म भनेको ए यो होल टर्म भनेको बी यो ए यो बी र फर्स्टमा हामी एक्सपान्ड गर्छौँ ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टु ए बी फर्स्टमा यहाँनिर फर्मुला छ हाम्रो ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टु एबी अनि ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्मुला छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टु एबी र यो ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्ममा छ यो माथिको फर्मुलालाई एक्सपान्ड गर्छौँ हुन्छ हाम्रो ए कस थिटा होल स्क्वायर यो होल टर्म भनेको ए हो सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बी साइन थिटाको होल स्क्वायर प्लस टु इन्टु ए ए भनेको हाम्रो ए कस थिटा इन्टु बीको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बी साइन थिटा प्लस फेरि ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्ममा चाहियो ए माइनस बी होल स्क्वायरको फर्ममा यो फर्मुलालाई एक्सपान्ड गर्छौँ एको ठाउँमा छ हाम्रो ए साइन थिटा होल स्क्वायर प्लस बीको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बी कस थिटा होल स्क्वायर माइनस टु इन्टु एको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ए साइन थिटा इन्टु बी बीको ठाउँमा चाहिँ बी कस थिटा र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हुन्छ हाम्रो ए कस थिटा होल स्क्वायर भनेपछि एको पनि स्क्वायर ए स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा प्लस टु एबी टु एबी ए र बीलाई मैले पहिला लेखेँ फेरि साइन थिटालाई म पहिला लेख्दैछु साइन थिटा कस थिटालाई लास्टमा लेख्दैछु अर्डरमा टु एबी साइन थिटा कस थिटा प्लस फेरि यसलाई पनि एक्सपान्ड गर्दाखेरि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा प्लस बी स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा यहाँबाट माइनस टु एबी पहिला एबी साइन थिटा कस थिटा र हाम्रो यो टर्म क्यान्सल हुँदैछ टु एबी साइन थिटा कस थिटा टु एबी साइन थिटा कस थिटा यहाँ प्लस छ माइनस यो होल टर्म क्यान्सल भयो र हाम्रो रिमेनिङ टर्म यो छ र यिनीहरूलाई अरेन्ज गरेर हामी निकाल्नेछौँ र हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ ए स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा. पहिला हामी ए स्क्वायर भएको टर्मलाई हामी एक जग्गा राख्नेछौँ ए स्क्वायर कस स्क्वायर थिटा प्लस यहाँ छ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा फेरि बी स्क्वायर भएको टर्मलाई एकपट्टि राख्नेछौँ प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थिटा चाहिँ
साइन स्क्वायर थीटा प्लस फेरी बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा कस स्क्वायर थीटा र फर्स्ट बड़ हमी दुईटा बड़ कमन ए स्क्वायर कमन छे ए स्क्वायर आयो फर्स्ट टर्म बड़ रहे भित्रपटी कस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म बड़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर यह दुईटा बड़ कमन कमन हम बी स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर कमन भित्रपटी रह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर इंटू कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बड़ वन हो प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा वन हो सो मल्टिप्लाई कर ए स्क्वायर इंटू वन खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन को बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आर एच एस हैंड्स प्रूफ्ड.